हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन सिंह और स्वागत है आपके अपने चैनल सुमन किचन में। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम आज बनाने जा रहे हैं मखाने का खीर। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। एक कटोरी हमने लिया है मखाना, एक कटोरी चीनी, इलायची, 2 चम्मच घी, काजू, किशमिश, बादाम, 1 लीटर दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके हमने रख देना है पतीली और इसमें हम डाल देंगे दूध को और दूध को हमें बॉयल करना है। इधर दूध हमारा बॉयल हो रहा है तब तक हम दूसरे साइड मखाने को रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक पैन रख दिया है गैस पे और 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे और घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मखाने को। तो आप देख सकते हैं घी मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम मखाने डाल देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट हमें रोस्ट करना है इसे चलाते हुए। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो मखाना जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मखाना बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो चलिए गैस अब बंद कर देते हैं। इधर चेक कर लेते हैं दूध को। तो आप देख सकते हैं दूध हमने पकाते हुए हाफ कर दिया है, 1 लीटर से 1/2 लीटर कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मखाने को और मखाने हमें चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है, या यूँ कहिए कि मखाने सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। हम मखाने को ज़्यादा देर पकाएंगे तो मखाने बिल्कुल गलकर इसमें मेल्ट हो जाएगा दूध के अंदर, पता नहीं चलेगा, दूध और मखाने में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। इसलिए हमें बिल्कुल मखाने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो आप बीच में चेक करते रहिए और 5 से 6 मिनट लगेगा और ये बिल्कुल मखाना सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने जो इलायची लिया है उसे कूटकर ऐड कर देंगे मखाने के अंदर, और आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया है इसमें इलायची और आप देख सकते हैं यहाँ पर मखाने बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने पसंद के हिसाब से, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा, जैसा मीठा पसंद हो उस हिसाब से डालें। चीनी को भी हमने 2 से 2.5 मिनट तक अच्छा से पका लिया है ताकि दूध में अच्छा से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए चीनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी भी अच्छा से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने पसंद के हिसाब से जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट जो रखे हैं अभी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे यदि चाहते हैं साबूदाना डालना तो आप साबूदाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साबूदाना गलने में टाइम लगता है। तो आप जब दूध डालें इसे गर्म होने के लिए उसी टाइम साबूदाना भी डाल दें, क्योंकि साबूदाना गलने में काफ़ी टाइम लगता है और मखाने को बाद में ऐड करें। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया है, चीनी और इलायची, मखाने, तो सब कुछ बिल्कुल इसमें मेल्ट हो चुका है अच्छा से। और साबूदाना आप डालना चाहें तो शुरू में ही डालें, लास्ट में ना डालें। आपके पसंद के हिसाब से आप इसमें जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए गैस को बंद कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मखाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमने सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए या गर्म खाइए, दोनों ही तरीके से बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। थैंक यू।